नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा पर आपका स्वागत है। अभी इसी वीक भारत सरकार ने लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज किया है, जिसके की हाइलाइट्स के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा पहले ही आपको बता चुका है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस नई पॉलिसी का स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और उनसे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। इस पॉलिसी में जो 10+2 का स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसको बदलकर 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। अगर आप बहुत ही गौर से 10+2 वाले सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल एजुकेशन की मिनिमम एज 6 साल है, जबकि जो नई पॉलिसी है उसमें यह एज 3 साल है। एक्चुअली में अगर हम न्यूरोसाइंस के फील्ड में की गई रिसर्चेस की माने तो पहले 5 से 7 साल किसी भी बच्चे के इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। करंट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के इस उम्र में डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज और चैनलाइज करने का कोई इफेक्टिव प्रोविजन नहीं था, जबकि जो नई पॉलिसी आई है उसमें इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है और गवर्नमेंट का बहुत ही कंसंट्रेटेड फोकस है इस उम्र के बच्चों के डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज और प्रॉपर करने का, जिससे कि इस उम्र के बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से इंटेलेक्चुअल और फिजिकली डेवलप हो सकें। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि 5th तक बच्चे को उसकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में इंग्लिश का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बच्चों के इनिशियल डेवलपमेंट को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी इनिशियल स्टडी को रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में करना बहुत ही अच्छा स्टेप माना जा सकता है। देखिए, भारत की बहुत सारी पॉपुलेशन गांव, कस्बों और छोटे छोटे शहरों में रहती है, जहां पर इंग्लिश का रेगुलर लाइफ में उपयोग बहुत ही कम होता है। तो जब ऐसी जगहों पर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है तो वह सब्जेक्ट को बहुत जल्दी से और अच्छे से समझ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश एक बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है, और कहीं ना कहीं इस वजह से बच्चों की सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है। और एक और परेशानी, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वह अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते, उनका उनकी होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाते, और जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं तो या तो वो अटेंड करने ही नहीं जाते हैं डर की वजह से, शर्म की वजह से, या जाते भी हैं तो अपने पॉइंट्स को रख नहीं पाते अच्छे तरीके से। तो अगर हम छोटे बच्चों की एजुकेशन को मदर टंग या उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें प्रमोट करेंगे तो बच्चा बहुत तेज़ी से और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, और इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि उसके माँ बाप भी उसकी होमवर्क में हेल्प कर सकेंगे और पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर उनके टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ अच्छे तरीके से फ्रूटफुल डिस्कशंस कर सकेंगे, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे का मोरल बूस्ट होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इनटू मेन स्ट्रीम। देखिए, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आज के ज़माने में जो कहते हैं कि डिग्री तो है मेरे पास लेकिन नौकरी नहीं है। देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं होता कि उनके पास टेक्निकल स्किल्स की कोई कमी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनके सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स अच्छे नहीं होते, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी तक की जो करंट एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इन स्किल्स पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था, इनको कभी भी मेन स्ट्रीम का पार्ट माना ही नहीं गया। थैंकफुली जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें इन स्किल्स को बहुत तवज्जो दी गई है और इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चों के यह स्किल्स इम्प्रूव होंगे तो फ्यूचर में उन बच्चों के जॉब पाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब आएंगे 4th पॉइंट पर, जो है 6th क्लास से ही इंटर्नशिप का प्रोविजन। अब इस पॉइंट के बारे में कई लोग कह रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है या यह पॉइंट है क्या, तो चलिए हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, कई बार आप किसी पार्टी में रिलेटिव्स के यहाँ बैठे होते हैं और आपको कोई गाने के लिए बोलता है और आप गाते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो आप बोलते हैं कि अरे अगर मेरे को सही टाइम पर ट्रेनिंग या कोई मौका मिला होता तो आज मैं सिंगर होता, क्रिकेटर होता, फुटबॉलर होता, पेंटर होता और पता नहीं क्या क्या। तो
यह जो प्रोविजन है इंटर्नशिप का, यह उसी समस्या का समाधान है। अगर आपके बच्चे को छठवीं क्लास से ही इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, यानी कि उसको प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो वह वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखेगा। वह अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेगा, फ्यूचर के लिए गाइडेंस ले सकेगा, जिससे कि वह बच्चा हो सकता है उनमें से किसी एक फील्ड में कभी आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बने, और बाद में हमारी तरह ये ना कह सके कि काश मेरे को मौका मिला होता। अब मैं बात करता हूँ आपसे पांचवें पॉइंट की, जो है अब बोर्ड एग्जाम साल में दो बार होंगे। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको अपने एक फ्रेंड की रियल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त था अमित, हम दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। जब हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे तो मेरे दोस्त अमित का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वह बाकी के एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाया और वह फेल हो गया, जिससे कि उसकी पूरी साल बर्बाद हो गई। करंट एजुकेशन सिस्टम में किसी भी बच्चे का पूरा जो एक साल की मेहनत होती है ना, वो कुछ 4-5 दिनों पे डिपेंड करती है। अगर आप बीमार हो गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई इमरजेंसी आ गई और आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाती है। जो नई पॉलिसी आ रही है वह इस समस्या का समाधान लेके आ रही है। वह आपको साल में एक की बजाय दो मौके देगी आपको अपना एग्जाम पास करने के लिए, कि कहीं अगर किसी एक बार कोई गड़बड़ या इमरजेंसी होती है तो आप दूसरी बार जो मौका मिल रहा है उसमें अपनी साल बचा सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो ये था पांचवा पॉइंट। अब बात करेंगे छठवें पॉइंट के बारे में, जो है कि न्यू रिपोर्ट कार्ड सिस्टम। देखिए, आजकल जो रिपोर्ट कार्ड्स बच्चों को मिलते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है बच्चे का ग्रेड और मार्क्स, का कितना ग्रेड आया, A+, B+, C। तो बच्चा भी क्या करता है ना, सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ाई करता है और बाकी कॉन्सेप्ट्स को और जो लर्निंग्स होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनको सीखने पर ध्यान ही नहीं देता। जो नई पॉलिसी आई है उसके हिसाब से जब आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो वह 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस का कार्ड बनेगा। इसका मतलब यह आपके बच्चे के मार्क्स के साथ साथ उसके जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसकी जो अदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी इंक्लूड करेगा और उनको भी रेट करेगा। उसके साथ साथ आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपके खुद के बच्चे, उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स और टीचर्स सबसे रिव्यू होने के बाद ही फाइनल होगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे आपको आपके बच्चे की जो करंट नॉलेज है उसका बहुत ही एक्यूरेटली पता चल सकता है, और आप उसके टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर उसके फ्यूचर का प्लान बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब बात करेंगे सातवें पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, आजकल जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं वह पेरेंट्स से बहुत ही मनमानी फीस वसूलते हैं, और बहुत सारे माँ बाप तो उस फीस को चुका ही नहीं पाते, इसीलिए वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा भी नहीं पाते। तो नई पॉलिसी इस समस्या का भी समाधान लेके आ रही है। पिछले पॉलिसी में ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो इस समस्या को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर रोकथाम लगा सके उनकी मनमानी वसूली से। लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करेगी और एक कैप लगाएगी, जिसका मतलब होगा कि एक फिक्स फीस से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं वसूल सकता, जिससे आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा और आप कुछ पैसे भी बचा सकेंगे। तो ये थे वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और उनके फ़ायदे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही लर्निंग से भरपूर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राइट टू शिक्षा। थैंक यू वेरी मच। अंकित राणा साइनिंग ऑफ।